नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी। आज हम लोग बात करेंगे एआईओटी फर्स्ट की, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, तो पहला क्वेश्चन है 151, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। तो एन से क्या अटैच है, देखो एन, तो एन हो जाएगा एन फेनिल, एन के साथ अटैच है बेंजीन, तो साइड चेन हो गई एन फेनिल। एन फेनिल कितने कार्बन है, 1 2, तो इथेन एमाइड, इथेन एमाइड, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देयर हैव नो सिमिलरिटी, नहीं सिमेट्री है, इसमें सिमिलरिटी है, समानता है, क्या है, दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, तो क्या है, दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है भाई। कोई कहता है कि हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर, तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों तो देखते हैं, तो वही बात है। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल दैट एग्जिबिट कायरलिटी, जिसमें कायरल हो मतलब कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट है, तो सिनेमिक एसिड C6H5 CS डबल बॉन्ड CH COH, नहीं है ना, ये नहीं है। बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट 1 2 3 4 5 O- ऐसे कर दिया 1, ये हो गया यहां OH, अल्फा बीटा, ठीक है ना, तो ये कायरल हो गया ना, तो यही आंसर हो गया। 3-methyl पेंटेन नहीं होगा, बोलो नहीं होगा ना, नियोपेंटेन ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब डबल बॉन्ड के ठीक बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, बेंजीन में तो होता नहीं, ये देखो डबल बॉन्ड है, इसके बगल में CH3, तो यहां है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड प्लस चार फ्री रेडिकल के ठीक बगल में कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, हम आराम से इसमें, इसमें कुछ नहीं है, यहां प्लस एच, यहां क्या है माइनस एम, यहां माइनस एम, यहां भी क्या है माइनस एम, तो दो में माइनस एम, तो सबसे देखो गया थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, कौन सा आंसर हो गया, सेकंड, ठीक है, माइनस एम, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम अपॉन प्लस एम, माइनस एच अपॉन प्लस एच। 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, दीज ऑक्साइड आर CrO, Cr2, O3 एंड CrO3, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलोज। क्रोमियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, CrO बना रहा है, Cr2O3 बना रहा है और CrO3 बना रहा है, तो कह रहा है कौन सा लॉ यहाँ पे जो है वो फॉलो होगा, सुनिएगा बात को। अगर बात करें कि दो एलिमेंट जो है वो अगर कंबाइन होके अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, मोर देन वन अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ लगने वाला होता है। क्या कहता है मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ ये कहता है कि अगर एक एलिमेंट का फिक्स मास जो है वो अदर एलिमेंट के डिफरेंट मास से अगर कंबाइन होता है, तो डिफरेंट मास जो अदर एलिमेंट है उसके मास का रेशियो एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ थिंग इनका मास सिंपल रेशियो में लेके आना पड़ेगा। पहले एक एलिमेंट का मास मेरे को फिक्स करना होगा, क्रोमियम का कर लेता हूं, तो देखिएगा यहां पे क्रोमियम का मास हो गया Cr2O2, सबको दो के इक्वल कर लेता हूं, ये तो दे ही रखा है Cr2O6। यहां पे क्रोमियम का मास अगर एक फिक्स हो गया है तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो 2:3:6, इट इज एक सिंपल रेशियो, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ 30 मोल ऑफ H2 एंड 20 मोल ऑफ O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, 5 मोल ऑफ H2 इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये कह रहा 30 मोल H2 है, 20 मोल O2 है, ये जल के निर्माण के लिए अगर अभिकृत करवाया जाता है तो बोल रहा है 5 मोल O2 शेष रह जाएगा, 5 मोल H2 इज लेफ्ट। अपन को पता है 2H2 प्लस O2 रिएक्ट करता है तो 2H2O बनता है। ओके, इसका सिंपल सा मीनिंग, इसका गिवन है 30 मोल, इसका गिवन है 20 मोल, मोल डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर लीजिएगा, जिसके लिए वैल्यू मिनिमम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा,
30 डिवाइड बाई 2 15 आएगा, 20 डिवाइड बाई 1 20 आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? H2। अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो ये लास्ट में जीरो बचेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू रिएक्टेड मोल्स ऑफ O2, तो रिएक्टेड मोल्स ऑफ O2 जो आएगा इट इज द 15 मोल, मीन्स O2 रिमेनिंग रहेगा 5 मोल। ये तो कह रहा है कि H2 जो है वो रिमेनिंग रह गया है, तो H2 इज लेफ्ट इन द एंड ऑफ द रिएक्शन, फॉल्स स्टेटमेंट। H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होना चाहिए? ए रॉन्ग है, आर जो है वो करेक्ट है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, 158। 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 ग्राम आर्गन गैस है, आदर्श बुला हुआ है, समतापीय और उत्क्रमणीय रूप से 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित की जाती है, तो बोला है एंथैल्पी परिवर्तन। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, समतापीय प्रक्रम होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब डी टी एंड डेल्टा टी बोथ आर जीरो, ठीक है। सेकेंड नंबर अगर बोले डेल्टा यू जो होता है वो होता है एन सी वी एम डेल्टा टी, डेल्टा टी तो जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो। डेल्टा एच जो होता है वो होता है एन सी पी एम डेल्टा टी जीरो तो ये भी जीरो, ठीक है, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। इट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर एंड डब्ल्यू इट इज इक्वल टू माइनस का क्यू, ये होता है, ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 159। द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड वाटर आर -21.1, -94.1 एंड -68.3 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। एथेन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मानक मोलर संभवन एंथैल्पी दे रखी है, तो बोला एथेन की मानक मोलर दहन ऊष्मा ज्ञात करो। सिंपल सा है, हीट ऑफ कंबशन की इक्वेशन लिखे इथेन का, C2H6 प्लस O2 गैसीय फेज में होता है, गैस होता है, 2 टाइम्स CO2 बनेगा गैस प्लस 3 टाइम्स H2O बनेगा लिक्विड। ये कैलकुलेट करना मेरे लिए, ये डेल्टा HR हो गया जो कैलकुलेट करना है। ओके, डेल्टा HR जो होता है अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखे, क्यों गिवन डेटा फॉर्मेशन का है, तो प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। ये नहीं देखना है पूछ रहा है क्या आपको, आपको फोकस इस बात पे होना चाहिए डेटा कौन सा गिवन है। फॉर्मेशन का गिवन है तो P माइनस R लगेगा, प्रोडक्ट कौन है CO2। बी केयरफुल रहे, ये किलो कैलोरी पर मोल है, यहाँ पे प्रोडक्ट में CO2 का 2 मोल बन रहा है, तो CO2 का 94.2 है माइनस का, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है प्लस। H2O का कितना है माइनस का 68.3 है, मल्टीप्लाई बाई 3 करना है माइनस 21.1, ये लो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 188.2 माइनस में 0.9 और ये हो जाएगा 204, माइनस माइनस प्लस 21.1। एक बात कंफर्म है, पीछे जीरो का डिजिट आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास कितना 0.1, थ्री सेवेंटी टू आ जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत सिंपल सा एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है। 160। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सोल्यूबल इन द वॉटर। निम्न में से जल में सर्वाधिक विलय कौन सा होगा, मोस्ट सोल्यूबल इन वॉटर। सीधा सा आपको ये चेक करना है, के एस पी दे रखा है तो सोल्यूबिलिटी चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले सॉल्ट के लिए के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर, तो यहाँ से एस आएगा 10^-18, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड वाले में भी के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर होगा, तो यहाँ से एस जाएगा 10^-8। ओके, वहां पे के एस पी बराबर होगा 108 S^5। कहाँ से लिख रहा हूँ, के एस पी इट इज इक्वल टू X^X, Y^Y, S^X+Y होता है। ओके, तो यहाँ पे X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 3 है, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 5 × 10^-17। ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकता हूँ S इक्वल टू 10^-14 आएगा। Ag2S के लिए Ksp बराबर 4S³ होगा, तो यहाँ से S इक्वल टू ऑलमोस्ट 10^-17 आएगा।
मोस्ट सोल्यूबल बोला है तो मोस्ट सोल्यूबल जो होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, जिसके लिए एस की वैल्यू ज्यादा होगी, जेड एन एस। ओके नेक्स्ट 161 10^-6 मोलर एच सी एल इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स इट्स पीएच। आपको पता है डाइल्यूशन जब करते हैं तो M1V1 इक्वल टू M2V2 का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता है, सॉल्यूट के मोल का फॉर्मूला होता है M1V1 मींस मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये लिया इसका वॉल्यूम वी ले लेते हैं, M2 कैलकुलेट करना है, V2 100V हो गया, V से V कैंसिल आउट हो गया, M2 बराबर 10^-8 मोलर HCl। वैसे ये याद ही होना चाहिए, इसकी pH 6.97 होता है, अप्रोक्सीमेट 6.95 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों हुआ, H प्लस आयन जब आप लिखोगे तो HCl का तो लेना ही लेना है, साथ में वाटर का भी लेना होगा इस बार। ठीक है, वाटर का काउंट करोगे तो pH ऑलमोस्ट 6.97 आ जाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस पर कह रहा है, इस रिएक्शन का केसी दे रखा है, केपी वुड बी एट द सेम टेम्परेचर। केपी क्या होना चाहिए, तो केपी इट इज इक्वल टू KCRT^∆NG। ओके, केसी दे रखा है यहाँ पे 26, आर की वैल्यू की बात करें तो 1/12, टेम्परेचर 250 अपन को केल्विन में पुट करना होता है, 250 प्लस 273 अगर ऐड किया जाए 523, डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का 1 -1, गैसीज मोल इधर 2 चल रहे हैं रिएक्टेंट की साइड में, प्रोडक्ट की साइड में 1 -2, इट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 है ना, ये हो जाएगा 4, पीछे बच गया 4, 43 ऑलमोस्ट 43.5, 260 अपॉन 435 ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास आ जाएगा, ऑलमोस्ट 0.6। माइसेल्फ आरसी देवाल, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। इनऑर्गेनिक के पार्ट का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाला हूँ। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PCl4+ PCl4- AsCl5 की आकृति क्रमशः है, द शेप पूछा है आपसे, तो PCl4+ हाइब्रिडाइजेशन से हम देख सकते हैं PCl+ और PCl4- और AsCl5, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, 4 हाइड्रोक्लोरीन से आगे एक कम हो जाएगा 2, दैट मीन्स एन की वैल्यू स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 4 क्लोरीन से नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, 2 स्टेरिक नंबर आया 5, दैट मीन्स sp3d। आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली में है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 5 क्लोरीन से 2 मतलब यहाँ 5 और यहाँ भी sp3d। तो आपको पता है sp3d पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बोन पेयर कितने हैं 5, लोन पेयर कितने हैं 0, तो इसका शेप हो जाएगा TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें 4 बोन पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो यहां शेप जो आएगा वो सीसा शेप आ जाएगा, या के शेप आ सकता है, या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी उसको बोला जा सकता है। यहां पे चारों के चारों बोन पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं, दैट मींस टेट्राहेड्रल। तो हमें देखे हैं इनकी रेस्पेक्टिवली हमें बतानी है, तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल, सीसा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट मींस आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये तो वैसे भी याद रखना होता है, बोन डिसोसिएशन एनर्जी लोन पे इंट्रैक्शन और ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ के बेस पे हम जो निकालते हैं वो है कल बंदा फिर इंडिया में, या आप इस ट्रिक से याद भी कर सकते हो इसको, है ना, कल बंदा फिर इंडिया में। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम Cl2 की आनी चाहिए, तो Cl2 Br2 Fe2 I2 आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट, अक्स EO3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अक्स EO3 F2, तो अक्स EO3 F2 का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और ज्योमेट्री आएगी इसकी ये वाली, है ना, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है,
दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम जीनोन इज sp3d, स्टेटमेंट सही है. द कंपाउंड इज नॉन पोलर, डेफिनेटली नॉन पोलर होगा. इसका डायपोल इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका डायपोल इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल इस डायरेक्शन में, इन दोनों का जो डायपोल आएगा वो इससे कैंसिल आउट होगा, तो नॉन पोलर कंपाउंड का सही है. द कंपाउंड हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. तो यहां ऑक्सीजन का पी यूज में आया है और जीनोन का डी यूज में आया है, तो यहां पाई बॉन्ड बना है वो पी पाई डी पाई है, ये भी सही है. यहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल जीनोन sp3, ये स्टेटमेंट गलत है. तो आंसर विल बी 4. आंसर जो इसका जाएगा वो जाएगा 4. फाल्स पूछा हमसे. नेक्स्ट, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि यहां पे H2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है. नेक्स्ट, फ्रॉम द B2O6 ऑल द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट. B2O6 से कौन कौन सा बनाया जा सकता है? तो देखो, B2H6 की रिएक्शन यदि आप वॉटर से करवाओगे तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और H3BO3 बन जाएगा, है ना. तो पहला तो बनाया जा सकता है. फिर ये वाला जो कंपाउंड है ये भी बनाया जा सकता है. B2H6 की रिएक्शन यदि आप NH3 से करवाओगे तो यहां इसका एसिमेट्रिक क्लीवेज होगा. कौन सा क्लीवेज? एसिमेट्रिक क्लीवेज. और BH2NH3 का होल ट्वाइज प्लस BH4 माइनस बन जाएगा, ठीक है. NaBH4, तो B2H6 की रिएक्शन यदि आप NaH से करवाओगे तो इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, ठीक है. तो बन जाएगा आपके पास NaBH4. थर्ड विल बी करेक्ट, थर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता. नेक्स्ट, विच ऑर्डर इज इनकरेक्ट. आपको हमें क्या दिया हुआ है यहां पे? डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब एक ऑर्थो वाला दिया हुआ है, एक मेटा वाला दिया हुआ है और एक पेरा वाला दिया हुआ है. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर के लिए एक ट्रिक है, वो आप ध्यान रख लें. पेरा का सबसे ज्यादा, ऑर्थो का, फिर मेटा का, है ना. और ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर. प्यार और मोहब्बत में दोनों पिघल गए, पिघलने का मतलब मेल्ट हो गए. प्यार और मोहब्बत में मेल्ट हो गए, ये मेल्टिंग पॉइंट आप इससे याद रख सकते हो. बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो आगे चला जाएगा, पेरा पीछे हो जाएगा. ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है. तो उस कंडीशन में प्यार, ये वाला तो ऑर्डर सही है, सही ऑर्डर है, तो करेक्ट ऑर्डर है. और यहां ऑर्थो मेटा ये गलत है. पेरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, ये एसिडिक ऑर्डर सही है. और यहां पे हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी सही है. तो आंसर इसका जो आएगा वो आएगा फर्स्ट, ये वाला गलत है. सब एनसीईआरटी की बुक से लिए हुए क्वेश्चन है. नेक्स्ट, आयोडिनेशन एल्केन इज रिवर्सिबल. बिल्कुल सही बात है, ये रिवर्सिबल है. एल्केन कैरिड बेड, हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HGO, HIO3, HNO3, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रिवर्सिबल का ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है. तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड, ठीक है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ ओपन चेन ग्लूकोज में काइरल, आराम से स्ट्रक्चर लो, CHO, CHOH, 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 CH2OH, 1, 2, 3, 4, कितने काइरल हो गए? 4. हाँ, अगर साइक्लिक कहता तो एक बढ़ा देते अपने, ठीक है. नेक्स्ट, विच कंपाउंड डज नॉट गिव HBZ रिएक्शन. कौन HBZ रिएक्शन नहीं देगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो. इसमें तो है, ये दे देगा, ये नहीं देगा, इसमें ये भी दे देगा, ये भी दे देगा. सिंपल बात, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो. क्लियर. नेक्स्ट, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस. जितनी भीड़ भाड़ कम हो, सबसे कम भीड़ भाड़ किसमें? फॉर्मिक एसिड. जैसे जैसे ग्रुप, एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, एस्टरीफिकेशन की रेट कम होगी, ठीक है. नेक्स्ट, हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल में याद करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. विच इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी,
पॉलीथीन हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी के लिए होता है बकेट बाल्टी है ना, तो वो हो गया हाई डेंसिटी के लिए, और जो पॉलीथीन जिसमें सब्जी वब्जी आते हैं बहुत पतली सी होती है वो होती है लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है ना, इनकरेक्ट। तो ये जो इसमें लिख दिया मैन्युफैक्चर डस्टबिन, ये गलत है, ये किसमें होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक बार जेई मेन में आ भी चुका है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है ना उसके लिए होता है, और लो डेंसिटी जो पतली। ओके नेक्स्ट 175, द यूनिट सेल विद पैरामीटर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 एंड ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर जो होता है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर जो है वो, सॉरी टेट्रागोनल की अगर बात करें, टेट्रागोनल में जो है वो ए इक्वल टू बी होता है इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। ठीक है, ये तो टेट्रागोनल हो गया इसका आंसर। क्यूबिक में जो होता है वो ए बी सी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल है 90 के। ट्राइक्लिनिक में जो है वो न ए बी सी इक्वल है और न ही अल्फा बीटा गामा इक्वल है ट्राइक्लिनिक में। हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, अल्फा बीटा 90 के इक्वल होता है एंड गामा किसके इक्वल होता है 120 के। ओके है 176, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 4% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वाई, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज ए देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई इज, एक्स के 4% जलीय विलयन का हिमांक जो है वो वाई के 12% जलीय विलयन के हिमांक के बराबर है, यदि एक्स का अणुभार ए है तो वाई का अणुभार क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं यही कंसीडर कर रहा हूँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है फर्स्ट ऑफ थिंग, ठीक है, अदरवाइज आपको आयोटा कैलकुलेट करना होगा जो अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेकेंड नंबर अपन को पता है डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है के एफ इंटू एम, मोलेलिटी रिक्वायर्ड है, मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके मैं काम करता हूँ, मेरे को वेट परसेंटेज ही कंसीडर करना होगा, अदरवाइज जो है वो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, डेंसिटी का डेटा गिवन नहीं है। तो 100 ग्राम आप सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं तो इसमें 4 ग्राम सॉल्यूट हो गया, तो फर्स्ट वाले के लिए अगर अपन बात करेंगे 4 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट है ए, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 96 इक्वल टू, सेकेंड वाले में ये 12 होगा तो ये मोलिकुलर वेट लिख लेता हूँ, ये 88 होना चाहिए, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू 3 इंटू 96 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 88, ये 11 टाइम्स हो जाएगा, ये 12 टाइम्स हो जाएगा, तो ए बराबर 36 डिवाइड बाई 11। 36 डिवाइड बाई 11 जो है वो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, तो 3 के बराबर आ जाएगा। ओके ठीक है 177, डेल्टा एच मिक्सर एंड डेल्टा वी मिक्सर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज 0। ये कह रहा है आदर्श विलयन के निर्माण में डेल्टा एच मिक्सर और डेल्टा वी मिक्सर 0 होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है जो पहले होता है वही फाइनल में होता है, इनिशियल और फाइनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सेम होता है, पहला स्टेटमेंट सही है ट्रू है। सेकेंड नंबर ए बी इंट्रैक्शन इन आइडियल सोल्यूशन आर सेम एज बिटवीन ए एंड बी बी इन द टू लिक्विड बिफोर मिक्सिंग, आदर्श विलयन में ए बी आकर्षण का मान मिलाने से पूर्व दोनों द्रव्य ए तथा बी बी के मध्य आकर्षण के बराबर होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वॉल्यूम चेंज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी या फिर फॉर्मेशन की एंथैल्पी चेंज होने वाला है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 178 नंबर, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑफ AgNO3 व्हेन करंट इज पास द कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो AgNO3 की सांद्रता क्या होगी। पहले ये सेल समझिएगा, ये एनोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसका मतलब एनोड किसका बना हुआ है सिल्वर का बना हुआ है, कैथोड भी किसका बना हुआ है सिल्वर। जब भी एनोड एक्टिव मेटल का बना होता है उस कंडीशन में एनोड का खुद का सेल्फ का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड सॉलिड में था ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एजी प्लस बनाएगा एक्वा सॉल्यूशन में, ये लीजिए यही एजी प्लस अगर सॉल्यूशन में चाप वाले कोई भी एलिमेंट आ जाए
कॉपर मरकरी एजी एयू प्लेटिनम, तो वही जाके कहां पे डिपॉजिट होते हैं कैथोड पर, तो यही वाला जो सिल्वर है जो एनोड से डिजोल्व होके, ये एनोड था ये कैथोड था, ये सिल्वर था ये सिल्वर था, ये AgNO3 था, जो यहां से डिजोल्व होके इधर आया वही तो जाके यहां डिपॉजिट हुआ, तो इसका मतलब ये AgNO3 तो चेंज ही नहीं हुआ। अगर ये AgNO3 चेंज नहीं होता इसका मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ AgNO3 क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके नेक्स्ट 179 ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग O2 वुड बी लिबरेटेड एट द एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में कह रहा है O2 कहां पे रिलीज होगा, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर डाइल्यूट H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में एनोड पर जाने वाली स्पीसीज एक तो सल्फेट है एक वाटर है, वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है इसलिए ये एनोड पे जाके O2 बनाएगा, तो फर्स्ट में तो आएगा ही आएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। एक्वस AgNO3 लिया, एक्वस AgNO3 में एनोड पर जाने वाली स्पीसीज नाइट्रेट है वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो यहां पे भी O2 जाएगा, तो सेकंड में भी जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म है, तो ये गया, ठीक है। कॉपर डाइल्यूट H2SO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड कौन से दे रखे, कॉपर के दे रखे, ठीक है। अब देखिएगा बात करें थर्ड केस में डाइल्यूट H2SO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, अभी इससे जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन में बोला था इलेक्ट्रोड एक्टिव मेटल का बना हुआ है तो एनोड पर तो रिएक्शन ये हो जाएगी, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस में। इसका मतलब यहां पे जो है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी एनोड पर, फर्स्ट और सेकंड में होगा, इसका मतलब आंसर 179 का फर्स्ट है। कॉलम मैचिंग करना है तो देखो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ये, तो इसमें तो आएगा बी। HClO2 डेकन प्रोसेस है ये, Cl2 बनाने का मेथड, ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस की रिएक्शन है SO3 बनाने का मेथड, और ये हेबर प्रोसेस है, ये लो, तो बहुत वेरी सिंपल है। तो यहां फर्स्ट का बी यहां भी है तो ये वाला नहीं होने वाला, ये वाला नहीं होने वाला, फिर सेकंड का सी तो सेकंड का सी यहां दिया हो तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट अमोनिया कैन बी ड्राइड बाई, तो कंसंट्रेट H2SO4, देखो अमोनिया क्या है, बेसिक गैस है तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनियम सल्फेट बना देगा, क्योंकि ये खुद एसिड हो गया तो इसको यूज में नहीं ले सकते। P4O10 तो ये वाला एसिडिक ऑक्साइड है, जब ये इससे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में, और ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके इसको अमोनियम फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको भी यूज में नहीं ले सकते। लाइम NH3 है ना, CaO इससे वाटर लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइज, और इधर NH3 है ही, ये भी बेस है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसको ड्राई कर देगा, तो लाइम हम यूज कर सकते हैं। CaCl2 के साथ अमोनिया एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है, मतलब CaCl2.6NH3 कॉम्प्लेक्स टाइप बन जाएगा CaNH3 6 और ये Cl2। तो हम जब भी ड्राई करें तो हम देखें साइड रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केवल उसमें जो मॉइस्चर है वही रिमूव होना चाहिए, तो ये काम केवल लाइम कर पाएगा, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट sometime it is metallurgy से belong कर रहा है question, sometime it is possible to separate two sulfide ore by adjusting the proportion of water by using depressant, तो depressant हम NaCN use में लेते हैं, ये metallurgy का part है, when a depressant NaCN is added to an ore containing ZnS, तो देखो ZnS में Zn plus 2 में है, PbS में Pb plus 2 में है, CN एक SFL है, strong field ligand है, बताओ किसके साथ complex बनाएगा, D block के metal का complex बनाने का tendency ज्यादा होता है या पी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक के मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसलिए वो यहां पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसके साथ, और वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो बनाएगा Na2ZnCN4 और ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा, तो फ्रोथ में कौन जाएगा, फ्रोथ में PbS जाएगा, तो NaCN प्रिवेंट फ्रोथ बोथ, नहीं दोनों को नहीं रोकेगा, NaCN prevent ZnS, हाँ, क्योंकि ZnS को उसके साथ soluble complex बना देता है, तो NaCN prevent ZnS from coming to the froth
बट अलाउ द पीबीएस टू कम विथ प्रोथ, क्योंकि NaCN ZnS के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसलिए वो तो वॉटर में रह जाएगा, पीबीएस के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा इसलिए पीबीएस ऊपर चला जाएगा, तो आंसर विल बी सेकंड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट. बॉक्साइट का कंसेंट्रेशन हम करते हैं लीचिंग प्रोसेस इसको बोला जाता है. लीचिंग में एक स्पेसिफिक सोलवेंट यूज में लिया जाता है जिसमें केवल आपका जो और पार्टिकल है वही डिजोल्व होता है. तो यहां बॉक्साइट एम्फोटेरिक है, एम्फो बेस में डिजोल्व हो जाएगा तो ये कंसेंट्रेशन है. फिर देखो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में इधर जा रही है और इसी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में वापस में बैकवर्ड कर सकता हूं, तो ये एसिडिक मीडियम में बैकवर्ड हो गई सेम वही रिएक्शन. ये वाली सरपेक प्रोसेस है, सरपेक प्रोसेस है. ये वाला क्या हुआ है यहां पे, ये कंसेंट्रेशन नहीं है, ये यहां तो एल्यूमिनियम मिल गया हमें, ये तो रिडक्शन हुआ है, ये तो रिडक्शन है. तो ये वाली रिएक्शन आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल. तो देखो ये तो है DSP2 स्क्वायर प्लेनर, क्या है स्क्वायर प्लेनर है ना, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स GI तो शो कर देगा बट ऑप्टिकल आई समझ में शो नहीं करेगा. सेकंड की बात करूं तो ये ऑक्टाहेड्रल है ना, GI तो शो कर देगा बट ऑप्टिकल वो भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें POS प्रेजेंट हो जाएगा. ये वाला कॉम्प्लेक्स थर्ड है ना, GI नहीं करेगा, ऑप्टिकल करेगा. फोर्थ वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल है तो फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स GI भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा, तो आंसर विल बी फोर्थ. नेक्स्ट, विच इज नॉट ए क्लेट लिगेंड. EDT ए क्लेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेड है, डेंटिसिटी इसकी 6 होती है. इथेलाइन डाइएमीन EN इसकी डेंटिसिटी 2 है, ऑक्सिलेटो ये भी 2 है, पिरिडीन मोनोडेंटेड लिगेंड है और पॉलीडेंटेड लिगेंड को क्लेट लिगेंड बोला जाता है. पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है ना, ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड नॉन एज क्लेट लिगेंड, ठीक है, वो सब क्लेट लिगेंड होते हैं. नेक्स्ट, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज कैरिड आउट ऑफ द सेपरेट सच ए मिक्सर. जब दो हमें इंप्यूरिटीज और जो जिसको प्यूरिफाई करना है उस कंपाउंड की एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा. अगर सॉल्युबिलिटी में बहुत कम डिफरेंस है तो हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं. तो ऑर्गेनिक सॉलिड हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी इन सॉल्युबल सॉल्वेंट तब हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं. ठीक है, यहां देखो KOH लग गया, COOK एसिड बेस रिएक्शन, यहां निकाल दो कोलबे, ये क्या हो गया और ये क्या शो करेगा GI, ठीक है ना, कोलबे वाली बात है, सिंपल सी कहानी. BOC एक्सेस रेक ट्रांस तो दोनों क्या शो करेंगे GI. नेक्स्ट ये देखो आराम से ऑप्शन में चले जाओ आप और डबल बॉन्ड तोड़ो, काटना है क्या लगाना है O, तो यहां तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, ये आ जाओ इसको देखो तोड़ते हैं O, सीधे ऑप्शन में जाना है बस सबके देख लेना अपने. अब देखो ये बन जाएगा ना CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 और प्लस 3HCH, 1 2 3 3HCH, तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड. क्लियर, सॉल्युबिलिटी ऑफ द फोर आयोनिक सॉल्ट S1 S2 S3 S4 आर प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर इन केल्विन, विच ऑफ दीज सॉल्ट विल फॉर्म एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन. आपको पता है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में अगर एक्सोथर्मिक होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किस में हो रहा है टेम्परेचर के साथ S4 में, इसका मतलब S4 इज द करेक्ट आंसर. ओके 190 HNC में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कार्बन इन HNC ये होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है. कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो उस कंडीशन में कार्बन को इन दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा +2, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2. एन एलिमेंट अक्सर इन शॉर्ट पीरियड,
हैविंग कॉन्फिगरेशन NH2NP1, तो NH2NP1 शॉर्ट पीरियड बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसका ऑक्साइड बनेगा B2O3, इसका बनेगा Al2O3, ये एसिडिक है और ये वाला एम्फोटेरिक है, तो यहां एसिडिक वाला ऑप्शन में अपने पास है नहीं, तो थर्ड इज विल बी आंसर। नेक्स्ट, NaOH की अधिकता में धात्विक जिंक को घोलने पर बनता है डिजोल्व मेटालिक जिंक इन एक्सेस NaOH प्रोड्यूस। तो देखो NaOH क्या है, बेस, और जिंक क्या है, जिंक क्या है, जिंक एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल है, और एम्फोटेरिक मेटल एसिड और बेस दोनों में डिजोल्व होते हैं, एक्सेस में लिया हुआ है, तो पहले तो बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस, फिर एक्सेस में लूंगा NaOH, तो बन जाएगा Na2ZnOH4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं Na2ZnO2.2H2O। तो इस हिसाब से हमारे पास अधिकता में लिया है, तो फाइनली इसी कॉम्प्लेक्स पे आंसर जाएगा। सेकंड, नेक्स्ट, एलम इज फाउंड टू कंटेन हाइड्रेटेड मोनोवेलेंट केटाइन, तो एलम का फॉर्मूला क्या होता है, M2SO4, M2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2। तो वो बोल रहा है कि MH2O, मतलब ये प्लस 1 का है, ये प्लस 3 का है, तो इसके साथ MH2O6, ठीक है, ये प्लस हो गया, और इधर MH2 ये डेस वाला है 6, और ये प्लस 3, ये हो गया। सल्फेट कितने हो गए अपने पास, सल्फेट हो गए 4, सल्फेट हो गए अपने पास 4SO4, तो इसके एक SO4 यहां आ गया, और यहां पे SO4 के साथ फॉर्मूला बना, तो SO4 और यहां पे थ्राई जाएगा और यहां पे 2i जाएगा, ठीक है, तब वहां प्लस 3 चार्ज चला जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा ना, तो यहां पे एक रेशियो इसका हो गया, एक रेशियो हो गया, सल्फेट यहां पे है और यहां पे है, इनके रेस्पेक्ट में जस्ट डबल है, तो डबल है तो 2, तो 1:1:2 विल बी 4। नेक्स्ट, हाँ, क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है, ये हो गया क्यूमीन, इसमें O2, तो यहां OOH, और इसकी हाइड्रोसिस करोगे तो क्या बनेगा, फिनॉल और एसीटोन, याद है ना, अभी एक ध्यान रखना है बात, इसमें जो ओ लगा है इसका नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, और हाइड्रोसिस करोगे एच प्लस यहां जाएगा, H2O निकलेगा, प्लस चार्ज, ये माइग्रेट करके इधर, यहां प्लस चार्ज, फिर उसमें इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, CCH3OH, ये इधर, ये इधर, फिनॉल और एसीटोन, तो कौन सा आंसर हो गया, थर्ड, ठीक है, आराम से कूल होके वीडियो को पॉज करके एक बार को देख लो, ठीक है, ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है ये, और ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट से करते हैं, विक्टर में चलते हैं, हेलोफॉर्म से भी हो जाता है, ये देगा ये नहीं देगा, ब्लिस्टन टेस्ट ये नहीं होता, तो आंसर कौन सा हो गया 4, हेलोफॉर्म ना, ये वाली चीज होगी CH3CHOS, तो ये क्या दे देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सेव, हेलो, कंसिडर द स्टेटमेंट मेंशन बिलो, सेविंग सोप, जो दाढ़ी बनाने वाला साबुन होता है उसमें क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल होता है, दाढ़ी बनाने वाले साबुन के निर्माण में समय रोजिन नामक गोंद, बिल्कुल रोजिन नामक गोंद मिलाई जाती है जिससे चेहरा सॉफ्ट रहे, या सोडियम रेजोनेट बनाता है, ये भी सही है, सोडियम अच्छे झाग के लिए, बिल्कुल सही बात है, सोडियम रेजोनेट से क्या होता है, अच्छे झाग होता है, और इसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं जिससे जल्दी ना सूखे, नहीं तो साबुन से ही बना लो लेकिन वो जल्दी सूख जाता है, इसलिए तो ग्लिसरॉल मिलाते हैं जिससे झाग जल्दी सूखता नहीं है, ठीक है, तो इसमें तो चारों सही हो गए, तो आंसर कौन सा हो गया 4। ओके, 197, फॉर द रिएक्शन H2+I2 कन्वर्ट टू HI गैस, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 (10^-4 मोल पर लीटर पर सेकंड), द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI विल बी, रेट ऑफ द रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो रेट ऑफ H2 इक्वल टू रेट ऑफ I2 इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ द HI आएगा, कैसे आएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन इट इज इक्वल टू रेट ऑफ स्पीसीज डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 दे रखा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI 2 times रेट ऑफ H2 हो जाएगा, 2 times रेट ऑफ H2 की रेट दे रखा है 1 × 10^-4
तो 2 × 10⁻⁴ सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. जियोलाइट हैव सेफ सेलेक्टिव जियोलाइट्स हैव सेफ सेलेक्टिविटी डिपेंडिंग अपॉन इसके पोर स्ट्रक्चर के वजह से जो होता है वो जियोलाइट जो होता है वो कैसा होता है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है प्रदर्शित करता है कि कौन सी तो ये देखो आयनाइजेशन तो नहीं करेगा क्योंकि बाहर कोई आयन ही नहीं है हाइड्रेशन नहीं करेगा क्योंकि जिसको मैं एक्सचेंज करूं वो भी नहीं है ज्यामिति और प्रकाशिक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जी हाँ ये कॉम्प्लेक्स हो गया एम ए टू बी टू सी टू तो ये कॉम्प्लेक्स जी आई भी शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेगा आंसर विल बी थर्ड ओके लास्ट क्वेश्चन 200 इफ द ई नॉट ऑफ एफ ई टू प्लस से एफ ई का दे रखा है ई नॉट एफ ई थ्री से एफ ई का दे रखा है तो एफ ई थ्री से एफ ई टू प्लस का पूछ रहा है दो हाफ इलेक्ट्रोड से अगर थर्ड हाफ इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट यूज करें फर्स्ट रिएक्शन है एफ ई टू प्लस से एफ ई दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका डेल्टा जी बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो एडिटिव नेचर का नहीं होता है गिब्स एनर्जी जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है बिकॉज इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी माइनस का एन एफ ई होता है तो माइनस का टू एफ इसका वोल्टेज एक्स वन एफ ई थ्री प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड एफ ई में कन्वर्ट होगा तो इसका डेल्टा जी नॉट जो आएगा वो आएगा माइनस का थ्री एफ एक्स टू बात करें एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस के लिए तो इसका डेल्टा जी थ्री नॉट जो आएगा वो आएगा माइनस का एफ और ई नॉट मेरे को नेट रिएक्शन ये चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दीजिएगा तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा तो डेल्टा जी थ्री नॉट इट इज इक्वल टू डेल्टा जी टू नॉट माइनस डेल्टा जी वन नॉट डेल्टा जी थ्री नॉट हो गया माइनस का एफ ई नॉट माइनस का थ्री एफ एक्स टू माइनस माइनस प्लस टू एफ एक्स वन एफ से एफ कैंसिल आउट हो गया ई नॉट इट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स टू माइनस टू टाइम्स एक्स वन थ्री टाइम्स एक्स टू माइनस टू टाइम्स एक्स वन ओके होपफुली पेपर अच्छा हुआ होगा बैलेंस पेपर था ओके थैंक यू